नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी को करता हूँ प्रणाम और तहे दिल से करता हूँ आप सभी का अभिनंदन। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बताने आया हूँ वो आपको एक नया उपचार, एक नई विधि और एक नया वशीकरण बताने आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आपने हमारा शब्द ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ वो वशीकरण ऐसा बताने जा रहा हूँ कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है या व्यापार में तरक्की नहीं होती है या किसी बड़े अफसर से काम करवाने जाते हैं तो आपका काम नहीं होता है, तो ऐसे हर तरह का वशीकरण करने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एक टोटका, एक विधि, एक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, आप इस वशीकरण को सिर्फ वहाँ आजमाएं, वहाँ यूज करें जहाँ आपको सो लाभदायक हो, यानी कि अच्छे काम के लिए हो, शुभ काम के लिए हो। लेकिन आप इस वशीकरण को आप गलत जगह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गलत जगह यूज करने से बहुत बड़ा आपको नुकसान भी हो सकता है और उसका बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप जब भी वशीकरण करना चाहते हैं तो ऐसे करें जो आपके लिए शुभ हो और आपके लिए लाभदायक हो, अन्यथा आप गलत जगह किसी बहन बेटी पर या किसी पराई औरत पर आप इसको यूज नहीं करेंगे। ये मेरी आपसे हाजिर प्रार्थना है। तो मेरे दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ वो विधि क्या है। आप मीठे चावल बनाइए, मीठे चावल, और मीठे चावलों को लेकर आप रोजाना जहाँ काले कोबे होते हैं छत पर, वहाँ डेली मुट्ठी से ऐसे फेंके पर को डेली फेंका करें। तो जितने भी वहाँ कबूतर आते हैं, कोवा जो होते हैं काले, जितने भी वो उस चावल पे झपटेंगे तो उनके शरीर के पंखों से कुछ बाल झड़ेंगे काले काले। तो आप ये प्रक्रिया 8 दिन करें। जब 3-4 दिन बाद ज़्यादा कबूतर आने लगे, कोवा आने लगे, कौवा ज़्यादा आने लगे, तो आप और ज़्यादा पर को फेंके, यानी कि ऐसा फेंके जाने के कबूतर झपटे उस चीज को, और जितने वो आपस में लड़ेंगे झपटेंगे उतने उनके पंखों से काले बाल झड़ेंगे। तो आप ये प्रक्रिया 8 दिन कीजिए। जब 8 दिन आपके पास हो जाए तो उनके बारीक बारीक बालों को, जो काले काले बाल लंबे लंबे, उनको सबको चुग लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। जब आप उनको इकट्ठा कर लेंगे तो आप उनमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा मोम, जिससे मोमबत्ती बनती है, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा मोम लेकर उन बालों को आप उनमें मिला लीजिए और वो बाल उसमें चिपकने लगेंगे, तो आप उनको बटकर एक धागा सा बना लीजिए, कम से कम 1.5 मिलांद का। जब 1.5 मिलांद का आप उसको धागा बना लेंगे तो उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जब भी आप कहीं जाएं, जब भी आप किसी काम के लिए, मुकदमे के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए और किसी बिजनेस के लिए अगर आप किसी के पास जाना चाहते हैं या किसी बड़े अफसर के पास आप जाना चाहते हैं किसी काम के लिए, तो मेरे दोस्तों आप उसे सीधी भुजा पर बांध कर, सीधी भुजा पर बांध कर जाइए। आपका 100% काम बनेगा और बिल्कुल पक्का काम होगा आपका। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैंने नुक्ता बताया है आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि आप 8 दिन लगातार काले कोबों को मीठे चावल बनाकर खिलाइए, उनसे उनके झपटने से बाल झड़ेंगे, और बालों को इकट्ठा करके शहद और मोम मिलाकर उसका एक धागा बट लीजिए लंबा सा 1.5 मिलांद का, जो आपकी बाजू पर आ सके। आप जहां भी जाएंगे व्यापार के लिए, तरक्की लिए, नौकरी के लिए, किसी बड़े अफसर से काम कराने के लिए, तो आप अपने प्रभु का नाम लेकर इसका पूजा पाठ करते हैं, उसका नाम लेकर सुबह सुबह और नहा धोकर आप उसको जब बांध कर निकलोगे तो आपका काम होगा 100%। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैंने आपको विधि बताई है ये बहुत ही लाभदायक है, और अगर मुझसे कोई बताने में दिक्कत होती है मेरे दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आती है। तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को करता हूँ नमस्कार। लेकिन जाने से पहले फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, अगर आपने हमारा शब्द ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों आप जरूर कीजिए, और उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो मेरे दोस्तों, जब आप हमें, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारी हमारे पास कमेंट करते हो, तो हमारे ऐसा मनोबल, जो हमारा मनोबल जो बढ़ता है और हमें और ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बताने के लिए और ज़्यादा जुनून हमारे जिगर में उठता है। तो मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं जाते हुए आप सभी करता हूँ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।